न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है मोरिंगा की बहुत हाई है। आज के टाइम में फॉरेन कंट्रीज में इसको सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है। इसके अंदर दूध से 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है, आयरन होता है, पालक से 25 गुना ज़्यादा, केले से 15 गुना ज़्यादा पोटेशियम है। इसी तरह से विटामिन ए बी सी के ई, हमारी बॉडी को 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, वो भी इसमें होते हैं। सो ऑल इन ऑल 90 तरह के पोषक तत्व मोरिंगा में मौजूद हैं। इसका सेवन करना डेली के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो युवा हैं उनके अंदर ताकत बढ़ेगी, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके अंदर बीमारियां घटेंगी। इसका आयुर्वेद में लिखा है कि मोरिंगा से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, आर्थराइटिस, इस तरह की बीमारियों का इलाज संभव है। और बिल्कुल नेचुरल तरीके से डायबिटीज़ हमने हमारे क्लाइंट्स का भी देखा है, काफ़ी लोगों का रिवर्स हो चुका है। सुना आपने, इतने फायदे हैं मोरिंगा के। मोरिंगा, जिसे हिंदी में सहजन या सहजना भी कहते हैं, गजब का औषधीय पेड़ है। इसके पत्ते और फलियों में भरपूर पोषक तत्व हैं। इसके सेवन से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। सहजन के इन्हीं गुणों को आप तक पहुंचाने के लिए श्वेता ने इसके पत्तों की चाय बना डाली। आप सबको नमस्ते, मैं कुलदीप सिंह, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज मेरे साथ हैं श्वेता, यंग एंटरप्रेन्योर हैं। मोरिंगा के पत्तों से इन्होंने एक ऐसी चाय डेवलप की है जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है। हम ये फिल्म आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि दूसरे युवा श्वेता जी से प्रभावित होकर अपना ऐसा ही एग्री बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर सकें। इन्होंने एक अलग आइडिया लिया और उसमें इनको पूसा के IRI से हेल्प मिली और फिर ये अब आगे अच्छी तरक्की कर रहे हैं। जी श्वेता जी, आप बताइए कि आपने कैसे आइडिया जनरेट किया, कहाँ से हेल्प मिली और आज आप क्या कर रहे हैं? जी, हम लोग जब पढ़ रहे थे MBA एग्री बिजनेस किया हम लोगों ने, मेरे फ्रेंड साथ में हैं दो, तो हमारे कैंपस में मोरिंगा एक्चुअली बहुत होता था। तो हमने सोचा कि मोरिंगा की न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है तो इसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए। जो हमारी जनरेशन के लोग होते हैं वो पिज़्ज़ा बर्गर को खा लेते हैं लेकिन पेट में जाता है कूड़ा, और जब तक कोई भी चीज़ टेस्टी नहीं होगी कोई भी खाता नहीं है। करेला बहुत हेल्दी होता है, कौन खाता है? लेकिन जब हमने कुछ इसके साथ अच्छा करने की कोशिश करी तो हमने फिर फाइनली प्रोडक्ट्स आइटरेशन किया, एक टी पे सेटल हुए हम कि टी अच्छा बन गया। टी फॉर्म में जो है ना, इसको कंज्यूम करना सबसे इजी है। रीज़न बीइंग, टी फॉर्म में एक तो पानी की कंटेंट जाती है, इसके अलावा टी में एक्सट्रैक्ट भी इसका बहुत अच्छे से निकलता है। जब भी आप हर्बल इन्फ्यूजन मोरिंगा टी का बनाएंगे, लीवेरा मोरिंगा टी का हर्बल इन्फ्यूजन जो बनता है, उसमें सारे के सारे 90 न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो आ जाते हैं और उसको आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। हमारा मिशन है वो अकम्प्लिश हो रहा है कि हम एक तो फार्मर्स के साथ भी काम करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मोरिंगा इज़ अ हाई वैल्यू क्रॉप। हम लोगों ने जहाँ 250 रुपये पर केजी की वैल्यू है मोरिंगा की नॉर्मल मार्केट में, हमने उसको 5000 रुपीज़ पर केजी बना दिया है अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट से। तो अभी अल्टीमेटली ये बेनिफिट जो है ये फार्मर को जाना चाहिए, राइट? प्राइस रियलाइजेशन जो है वो फार्मर को अच्छा होना चाहिए, और उसके अलावा जो हम कंज्यूमर को दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। तो ये डबल बेनिफिट है। और हम लोग एक स्टार्टअप हैं, हम लोग को हमने अपना एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट कर लिया है और हम और लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। हमारे एक क्लाइंट थे गुजरात से, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता था रोज़ 100 ml का, और उनको उन्होंने जब मोरिंगा टी कंज्यूम करना शुरू किया और मोरिंगा पाउडर भी लिया साथ में, तो उनका इंसुलिन के इंजेक्शन ख़त्म हो गए, अब वो टैबलेट्स पे आ गए हैं। इसी तरह के और भी बहुत केसेस हैं हमारे पास जिन लोगों की लाइफ में बहुत ही अच्छा बदलाव आया है, और हम चाहते हैं कि ये चीज़ सभी लोग एक्सपीरियंस करें, स्पेशली हमारी कंट्री में जहाँ माल न्यूट्रिशन रेट बहुत हाई है। इंक्यूबेशन सेंटर से पहले हम लोग अपनी मेहनत तो कर रहे थे और ग्रो भी कर रहा था क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा था, लेकिन इंक्यूबेशन सेंटर में आने के बाद हम लोग को एक ऐसा डायरेक्शन मिला जिससे कि हमारी ग्रोथ फोकस्ड हो गई है, और ग्रोथ फोकस होने के साथ साथ हमारा मार्केटिंग एफर्ट्स में भी काफ़ी इजाफा आया है, क्योंकि काफ़ी नेटवर्किंग सपोर्ट हमें पूसा कृषि इंक्यूबेटर से भी मिलता है। फॉर इंस्टेंस, हम अभी यहाँ पर पूसा कृषि मेला में हैं और इस मेले के अंदर 1,00,000 लोगों का फुटफॉल है, जहाँ पर हमें स्टॉल लगाने की अपॉर्चुनिटी मिली है, और इस अपॉर्चुनिटी की वजह से हमारा सेल्स भी बढ़ रहा है, ब्रांडिंग भी हो रही है। बाकी युवा के लिए आप एग्री बिजनेस में क्या कहना चाहते हैं कि भाई कुछ कैसे कर सकते हैं? एग्री बिजनेस में इस वक्त स्टार्टअप्स की बहुत ज़रूरत है,
क्योंकि इनोवेशन जब तक नहीं होगा तब तक हमारा एग्रीकल्चर बढ़ नहीं सकता। जब इनोवेशन होगा तभी एग्रीकल्चर की भी ग्रोथ होगी, एग्रीकल्चर की ग्रोथ होगी तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ेगा, जब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो फार्मर्स की भी प्रॉस्पेरिटी होगी, फार्मर्स की प्रॉस्पेरिटी होगी तो इंडिया के बहुत सारे क्राइसिस खत्म हो जाएंगे। तो जैसा श्वेता जी ने बताया कि इन्होंने मोरिंगा जो आमतौर पर 250-300 रुपये किलो बिकता है उसकी वैल्यू 20 गुना तक बढ़ा दी है, यानी कि 5000 रुपये किलो तक मोरिंगा ये बेच रहे हैं चाय के रूप में। तो मेरा उन युवाओं से कहना है जिनका खेती का बैकग्राउंड है, वो प्रोसेसिंग में आए, एग्री बिजनेस में आए और श्वेता की तरह अपना एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करें, जिससे कि किसानों को अच्छा लाभ होगा, आपका रोजगार बढ़ेगा और उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पादन मिलेगा, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।